मान लो आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनकर टाइम मशीन का आविष्कार कर देते हो। इसके बाद आप सोचते हो क्यों ना भूतकाल में जाकर अपने दादाजी का बचपन देखा जाए। फिर आप टाइम मशीन के साथ एग्जैक्टली उसी जगह पर लैंड करते हो जहां आपके दादाजी बचपन में थे, पर एक गलती की वजह से टाइम मशीन आपके दादाजी के ऊपर ही लैंड कर जाती है और आपकी वजह से उनकी बचपन में ही मौत हो जाती है। अब जबकि उनकी बचपन में ही मौत हो चुकी है तो इसका मतलब फ्यूचर में उनकी कभी शादी ही नहीं होगी, और उनकी शादी ना होने का मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स कभी पैदा ही नहीं होंगे, और अगर आपके पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो इसका मतलब आपका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, अगर आपका अस्तित्व ही नहीं होगा तो वो कौन था जिसने समय में पीछे जाकर आपके दादाजी के मौत का कारण बना था? क्या वो आप ही थे? अगर हाँ तो दादाजी के मौत के बाद तो आपका अस्तित्व मिट गया था, तो फिर वो इंसान आप कैसे हो सकते हो? वेल, इसे ही कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो ये साबित करता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है।